गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नाइन नेटवर्क। तो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रंक। ठीक है, स्विचिंग टेक्नोलॉजी के बारे में मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा। हम लोग जो अभी फिलहाल इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो सबके सब स्विचिंग टेक्नोलॉजी से है। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो हम लोग उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो अगर ट्रंक की बात करते हैं, तो आप इंटरव्यू में जाते तो डेफिनेटली वो लोग आपको पूछेंगे व्हाट इज ट्रंक। ठीक है, तो आपको ट्रंक क्या है वो डिटेल में बताना है। ठीक है, अभी यहाँ पे ना एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन का आंसर देते हो तो मेक श्योर यू आर गिविंग द राइट वर्ड, यू आर यूजिंग द राइट वर्डिंग। ऐसा नहीं कि आप ट्रंक बोल रहे हो तो आप बीच में उसमें विलेन डाल दिया या कुछ दूसरे टॉपिक डाल दिए, इसको के मॉडल नंबर डाल दिए इसके। नो, इफ दे आर आस्किंग अबाउट स्पेसिफिक वॉट इज ट्रंक, तो आपको ट्रंक के बारे में ही बताना। दैट इज ये काफी इम्पोर्टेंट है। काफी सारे लोग ना इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि वो ना टॉपिक को घुमाना चाहते हैं, और उनको लगता है कि हम लोग और ज्यादा डिटेल देंगे और उसके चक्कर में खुद ही फंस जाते हैं। सिंपल सा फंडा है, दो या दो से ज्यादा स्विचेस कनेक्ट होते हैं तो हम लोग ट्रंक का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद उनके पास काउंट ऑफ क्वेश्चन आएंगे, उनके पास कुछ इस तरीके का टोपोलॉजी वो डिजाइन करेंगे, बताएंगे कि चलो यार ये पोर्ट है हमारे पास 5.0/0, ये है 5.0/1। आप मुझे बता सकते हो क्या क्या ये 5.0/1 एंड 0/0 एंड 0/1 के बीच में आप ट्रंक कॉन्फिगर कर सकते हो? आप बोलेंगे यस, तो आपको उसका रीजन देना पड़ेगा। इतना ही आंसर नहीं देना, यस आई नो, नो। इफ यू नो द यस, यू हैव टू गिव द जस्टिफिकेशन। इफ योर आंसर इज नो, स्टिल यू हैव टू गिव द जस्टिफिकेशन। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू आपको बार बार नहीं पूछेगा कि भाई जस्टिफिकेशन दो। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आप इस लिंक को क्या कंसिडर करोगे? ठीक है, अभी यहाँ पे जस्ट एक चीज याद करो कि अगर हम लोगों ने इसके प्रीवियस वाले सेशन में विलेन ये टॉपिक पढ़ा था, अगर आप उन्होंने ये थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया कि यहाँ पे मेरे पास कुछ विलेन्स है, अगर यहाँ पे 5.0/0 है, यहाँ पे 5.0/1 है, अगर आप यहाँ पे ट्रंक कॉन्फिगर करते हो तो क्या ये मेरे यूजर पीसेस इन यूजर पीसेस के साथ कनेक्ट होगे कि नहीं? तो आपका आंसर है यस, तो आपको बताना है क्यों एंड कैसे। आपका आंसर है नो हो, तो आपको उनको बताना है क्यों एंड कैसे। ये छोटी छोटी चीजें, इसका ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करूंगा। वो पूछेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रंक, ट्रंक के टाइप्स बताओ, तो आपको ट्रंक के टाइप्स भी बताना है। ठीक है, अगली ट्रंक के टाइप्स कौन से हैं? ISL एंड .1Q। वो पूछेंगे व्हाट इज ISL एंड व्हाट इज .1Q। ठीक है, आपको उसके बारे में डिटेल बताना है। इफ दे आर आस्किंग व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्रंक, आपने दोनों का नाम बता दिया, आप दोनों के बाद में उनके बारे में क्या डिफरेंसेस है वो भी बताओ, वो इंपॉर्टेंट है। आप ये इंटरव्यू से एक्सपेक्ट मत करो कि वो आप कुछ बोलोगे नहीं तो ही विल लीव यू लाइक दैट। नो, आपको करेक्ट आंसर देना है, थोड़ा ज्यादा जस्टिफिकेशन देना है, क्लैरिफिकेशन देना है। जो भी टॉपिक पूछते हैं उसके ऊपर जस्टिफाई करो प्रॉपर तरीके से। अगर आपको कुछ पूछता है, कुछ आंसर देना है तो शांत मत रहो। ISL.1Q क्या होता है? ठीक है, अभी अगर वो आपको एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते कि अगर मेरे पास एक स्विच है जो कि है सिस्को कंपनी का स्विच है और दूसरा स्विच है जूनिपर कंपनी का, मैंने यहाँ पे ISL कॉन्फिगर किया है, ये जो मेरे पास सिस्को का स्विच है यहाँ पे 4 यूजर पीसी है जो कि VLAN 10 में बैठे हुए, यहाँ पे भी 4 यूजर पीसी जो VLAN 10 में बैठे हुए, तो आप इस पोर्ट पे और इस पोर्ट पे क्या कॉन्फ़िगर करोगे ताकि ये दोनों यूजर पीसी कम्युनिकेट हो पाएंगे? तो आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, अभी यहाँ पे ना थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है कि आपने ISL कॉन्फिगर किया है, अगर आपको टाइप्स नहीं पता, ISL कब यूज करना है वो नहीं पता, .1Q कब यूज होता है IEEE स्टैंडर्ड वो आपको नहीं पता है, देन वो इंटरव्यूअर आपके माइंड के साथ प्ले कर सकता है। इफ यू नो, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा हिंट दे देता हूँ, आप भी जब प्रैक्टिस करोगे प्रिपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रिपेयर करना है। ISL इज सिस्को प्रोप्राइटरी, लेकिन यहाँ पे जूनिपर का स्विच है, सो ऑब्वियसली जूनिपर के स्विच पे ये वर्क नहीं करेगा। तो आंसर इज नो, ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन उसको प्रॉपर जस्टिफाई भी करना आना चाहिए ना। अगर आप वही जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे मैं ट्रंक कॉन्फिगर करूंगा, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन ISL, ये सब चीजें, नो इट इज नॉट गोइंग टू बी वर्क। ही इज जस्ट चेकिंग वेदर योर कंसेप्ट आर क्लियर और नॉट। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं तो ऑब्वियसली आप तो कॉन्फिगरेशन बताओगे।
लेकिन ही स्टार्टेड प्लेइंग विथ योर माइंड. सो वेन एवर इंटरव्यूअर आस्किंग यू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, मेक श्योर आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनो. सो लिसनिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड बेस्ट क्वालिटी. ठीक है, यहाँ पे एक हो गया. अभी हम लोग थोड़ा बहुत और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते. लेट्स अज्यूम कि मेरे पास एक स्विच है जो कि दूसरे स्विच के साथ कनेक्टेड है. आप क्वेश्चन को प्रोब भी कर सकते हो. प्रोब करना मतलब क्या होता है, अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए थोड़े क्वेश्चन के बारे में, आप ये मत बोलो 10 बार कि यार सर ये क्वेश्चन है फिर से रिपीट करो. नो, आपको केयरफुली लिसन करना है. आप प्रोब कर सकते हो मतलब उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है आपको, तो आप उसके ऊपर पूछ सकते हो. जैसे कि मैंने बताया सर मेरे पास दो स्विच है, तो आप बोल सकते हो सर कैन वी कंसिडर दिस स्विच एज अ स्विच, सिस्को स्विच? तो बोलेंगे या ओके दैट्स फाइन. ठीक है, यहाँ पे कुछ यूजर पीसी कनेक्टेड है. फर्स्ट यूजर पीसी VLAN 10 में कनेक्टेड है, दो दो यूजर पीसी, सेकंड यूजर पीसी VLAN 20 में. सेम गोज विद दिस साइड. वो पूछेगा कि आप इस लिंक के ऊपर कुछ इस तरीके से कॉन्फिगर करो कि VLAN 10 के साथ कम्युनिकेशन होगा, VLAN 20 के साथ कम्युनिकेशन नहीं होगा. तो आप इस रिक्वायरमेंट को किस तरीके से फुलफिल कर सकते हो, आपको उसका आंसर देना पड़ेगा. सबसे पहले तो आप उनको बताओ कि ये किस तरीके से फुलफिल होगा. उसके बाद आप कमांड लाइन बताओ, CMD. करेक्ट? तो ये बेसिक बेसिक चीजें. आपको इतना अगर अच्छे से आता है तो आप ट्रंक में आसानी से पास पास कर सकते हो. ठीक है, मेक श्योर व्हाट इज ट्रंक, ट्रंक का यूज क्यों होता है, ट्रंक के टाइप्स क्या है, ISL एंड .1 के उसके बीच में डिफरेंसेस क्या है, कमांड लाइन क्या है, और थोड़े बहुत सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन. अगर आप ये प्रिपेयर करते हो दैट इज मोर देन इनफ. लाइक मतलब आप ट्रंक के ऊपर एटलीस्ट 80-90% आंसर तो दे ही सकते हो. ठीक है, या दिस इज ऑल अबाउट ट्रंक. प्रिपेयर करो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू जस्ट कमेंट इट डाउन एंड थैंक यू सो मच. शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड हैप्पी लर्निंग. बाय बाय, टेक केयर.